गुप्त सूचना मिली कि बोधगया थाना क्षेत्र में महिमा गेस्ट हाउस के बगल में एक भवन में बंगाल के कोलकाता सोनागाछी से दो युवतियों को वैश्यावृत्ति कराने के लिए लाया गया है। सूचना के सत्यापन के क्रम में यह भी जानकारी मिली कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले कुख्यात अपराधी चीकू पांडे उर्फ चीकू कुमार उर्फ चीकू बाबा उर्फ विशाल कुमार इन्हीं युवतियों के पास आया हुआ है। दिनांक 15/1/2022 धारा 364-302-34 भादवी का प्राथमिकी अभियुक्त है, जिसकी तत्काल सूचना एसएसपी एवं नगर पुलिस अधीक्षक को दी गई, जिन्होंने एक टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किया, जिसमें वजीरगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घूनन मंडल मुफस्सिल थाना की टीम को शामिल कर छापेमारी किया गया, जहां से कोलकाता सोनागाछी से बुलाई गई युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में कुख्यात अपराधी चीकू पांडे उर्फ चीकू कुमार उर्फ चीकू बाबा उर्फ विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया। भवन की तलाशी लेने पर वहां से एक मैनेजर चंद्रशेखर बिराजी को पकड़ा गया। इनके पास से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, साथ ही कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। मुख्य रूप से जो मामला है ये यहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई थी बोधगया थाना में, यहाँ पर महिमा गेस्ट हाउस है, वहाँ पर सूचना गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ कलकत्ता से कुछ वेश्यावृत्ति के लिए दो युवतियों को लाया गया है और वहाँ पर ये प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर वेश्यावृत्ति के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो सूचना क्रम में तुरंत SDPO बोधगया थाना प्रभारी बोधगया को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन मिले थे कि उक्त होटल में मुफस्सिल थाने का जो एक क्रिमिनल है चीकू पांडे वो भी वहाँ पर आया हुआ है एज ए कस्टमर, वहाँ पर वो उसी होटल में ठहरा हुआ था। तो साथ में मुफस्सिल थाना और DSP वजीरगंज को संयुक्त रूप से वहाँ पर भेजा गया रेड के लिए। रेड के क्रम में हम लोग को वहाँ पर चीकू पांडे पाया गया, जो कि चीकू पांडे है। वहाँ पर 15 तारीख को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक प्रिंस कुमार की हत्या हुई थी, लाठी अपराध आपसी गैंगवार में उसकी मारपीट की करके कुछ बाकी क्रिमिनल्स के द्वारा काफ़ी पीट पीट कर हत्या कर दी गई बुरे तरीके से। तो ये उस केस में प्राइम एक्यूज था, तो ये उसमें ये भी अरेस्ट हुआ है। साथ में दो युवतियाँ जो कि कलकत्ता की जो रेड लाइट एरिया है सोनागाछी एक है, वहाँ से यहाँ पर आकर ये ठहरी हुई थी इस होटल में। और ये भी पाया गया सत्यापन क्रम में और रेड के क्रम में कि जो होटल का जो मैनेजर है जिसका नाम है चंद्रशेखर बिराजी, ये बीरपुर सुपौल का रहने वाला है, ये बराबर बाहर से लड़कियों को लाता था, युवतियों को प्रलोभन देकर या फिर किसी तरह से इंड्यूस करके प्रलोभन देकर यहाँ पर लाता था और एवज में वेश्यावृत्ति कराता था और उसके कमीशन के रूप में खुद ही ये पैसा लेता था। उसी क्रम में इनको भी गिरफ्तार किया गया है, चंद्रशेखर बिराजी और दो लड़कियाँ हैं जिनको वो रिमांड होम भेजेंगे। इसमें ये जो चीकू पांडे हैं, चीकू पांडे ने अपना जो 18-22 केस हुआ था मुफस्सिल में उसने अपना कन्फेस किया है, उस क्राइम में यह भी शामिल था और इसके साथ में कुछ और क्रिमिनल्स थे जिनकी अभी तलाश जारी है, हम लोग कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में जो चीकू पांडे है इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा है। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 427-18 ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, फिर मुफस्सिल थाना में 234-18 यह भी मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर आर्मसेट केस है, उसके बाद मुफस्सिल में 214-20 यह भी मारपीट चोरी का केस है, मुफस्सिल थाना में ही 165-21 यह भी मारपीट अटेम्प्ट टू मर्डर आर्मसेट का केस है, मुफस्सिल थाना में 296-21 अटेम्प्ट टू मर्डर मारपीट का केस है और आर्मसेट का केस है, साथ में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का केस भी है। मुफस्सिल का फिर 263-21 आर्मसेट और लूट का प्रयास और लूट की योजना उसका केस है, फिर मुफस्सिल थाना 18-22 जो कि रिसेंटली जिसमें कि वो प्रिंस कुमार की हत्या हुई है इसमें है। 7 कांड खुल इसके विरुद्ध में दर्ज हैं, ये पेशेवर अपराधी है और ये लोग आपस में एक गैंग बनाकर, और भी लड़के हैं मैक्सिमम सभी नवयुवक हैं और ये लोग अपने गैंग बनाकर अनेक तरह के का घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। तो और बाकी इसके अलावा जो ये युवतियाँ पाई गई हैं एक अलग से कांड दर्ज किया गया है बोधगया थाना में ही अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत, और उसमें जो होटल का मालिक है जो मैनेजर है ये चंद्रशेखर बिराजी इसको गिरफ्तार किया गया है, इसको जेल भेजा जाएगा और होटल परिसर को विधिवत सील किया गया है और उसको फर्दर हम कार्रवाई करेंगे उस पर। सर ये जो चीकू पांडे हैं जी हाँ, तो इनके मुफस्सिल थाना में कुछ केसेस जो पहले हुई थी इस मामले में क्या गिरफ्तारी भी हुई थी इनकी पहले? ये पहले भी जेल जा चुका है जी, पहले भी जेल जा चुका है, मर्डर केस में 2 साल जेल रह चुका है, जेल से आया भी है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है जिससे आप इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख कर। नहीं, बोधगया थाना में अभी से कोई केस नहीं है। होटल मालिक पर क्या कार्रवाई की? होटल मालिक पर हमारे जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में प्रावधान है, होटल में अगर उसको सील किया जाता है, होटल मालिक को अगर नॉलेज में है कि होटल मालिक किसी भी परिसर को
अगर वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज़ करता है और उससे उसके किसी प्रॉफिट में वार्निंग्स लेता है तो उसके भी इक्वल लाइबिलिटी बनती है। तो वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा उसमें आएगा, जो भी साक्ष्य मिलेगा हम लोग फिर फर्दर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैनेजर के पहले भी इस तरह के कई होटल मैनेजर का बयान क्या है, क्या मालिक की संलिप्तता है इसमें? अभी तक तो हम लोग इसमें आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं। पहले आपत्तिजनक वस्तु भी प्राप्त हुई है, वहाँ से सीज किया गया है। जो भी महिलाएं थी आपत्तिजनक स्थिति में थी? नहीं, वहाँ पर थी, कमरे के अंदर से वो लोग पाई गई थी और उनका हमने सवाल कुछ चेक किया है और उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि वो लोग कलकत्ता से हैं, कोलकाता के सोनागाछी इलाके से हैं, प्रोफेशनल्स हैं और उनको यहाँ पर बुलाया गया है। पहले भी पूर्व में लोग आ चुकी हैं यहाँ पर और फिर से लोग आए थे। तो हम लोग इसको बाकी चेन जो हमारी है उसको चेन ऑफ एविडेंस हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे और इसमें जिस जिस की स्लिप्ता पाएगी उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह के मामले कई बार प्रकाश में पहले भी आए सर? जी हाँ, पहले भी केसेस हुए हैं। उन्होंने चार्जशीट भी 2020 में एक केस हुआ था, उसमें भी चार्जशीट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन उसमें जेल गए थे कुछ लोग। और यहाँ पर चूंकि काफ़ी सारे होटल्स हैं तो होटल की आड़ में कई बार होटल मैनेजर से होटल मालिक भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देते हैं और हम लोग बराबर जब भी सूचना मिली है हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहे हैं। सर, महिलाओं की उम्र क्या अंडर एज है या नहीं? अंडर एज तो अभी तक बालिग है, सभी बालिग है, माइनर मेजर है सभी। क्या क्या सामान बरामद की गई है? आपत्तिजनक सामान है, कॉन्डोम्स हैं, जो यूज कॉन्डोम्स हैं और बाकी जो सामान कमाई का सामान मोबाइल फोन वगैरह है यहाँ पे।